हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों के लिए अब एक वर्ष से भी कम समय बचा है और राजनीतिक सरगर्मियां धीरे धीरे बढ़ने लगी हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल के कसौली विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के कार्यकर्ता हरमेल धीमान ने चुनाव लड़ने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि उनकी पहली प्राथमिकता भाजपा से चुनाव लड़ने की होगी। यदि पार्टी उन्हें टिकट नहीं देती है तो वे निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि उन्होंने स्थानीय मंत्री के लिए चुनावों में कार्य किया, लेकिन चुनाव जीतने के बाद मंत्री ने उनसे किनारा कर लिया। निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि इस बार हम विधानसभा के चुनाव जो हैं वो 100% लड़ेंगे और मेरे साथी मिलकर सब लोग इस बात के लिए पूर्णतः तैयार हैं। जो हिमाचल की भारतीय जनता पार्टी है, जिसका मैं शुरू से ही कार्यकर्ता रहा हूं और अभी भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, पिछले 30 सालों से पार्टी के साथ जुड़ा हूं, सबसे पहले मेरी प्राथमिकता यही होगी कि मैं पार्टी से ही टिकट मांगूंगा। पार्टी अगर मुझे टिकट देगी, पार्टी अगर उचित समझेगी तो टिकट देगी। अगर बाई चांस मुझे पार्टी टिकट नहीं देती है तो और विकल्प खुले हैं। सबसे पहले मेरी प्राथमिकता यही होगी कि मैं पार्टी से ही टिकट मांगूंगा। पार्टी अगर मुझे टिकट देगी, पार्टी अगर उचित समझेगी तो टिकट देगी। अगर बाई चांस मुझे पार्टी टिकट नहीं देती है तो और विकल्प खुले हैं। इस पार्टी के जो भी हमारे वो थे कैंडिडेट थे, इनकी मदद करो, आपके इलाके को हमारा हम एक मंत्री देंगे। उस मंत्री के लिए हमने काम किया और उसको जिताया, उसको मंत्री बनाया, पर पार्टी ने सब कुछ किया पर जो हमारे कैंडिडेट थे उन्होंने कभी हमारे बारे पूछा ही नहीं। हमको कभी उन्होंने मीटिंग में भी नहीं बुलाया, आज तक कभी बात करने नहीं आए। अगर हम मिलने भी गए तो उन्होंने कभी अच्छे से बात ही नहीं की हमसे। तो हमारी तो यही है कि हम पार्टी से टिकट मांगेंगे, पार्टी टिकट देगी सिर माथे। अगर नहीं देती है तो मैं